हाँ, इस वीडियो में हम मार्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल दो तरह के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। निमिया में जो मार्फोलॉजिकल है, इसमें सेल की साइज और कलर पर यह डिपेंड करता है। जैसे सेल की साइज नॉर्मल हो, कलर भी नॉर्मल हो, फिर भी एनीमिया हो जाती है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोसाइटिक, सेल की साइज बड़ी हो जाए, कलर उसका नॉर्मल हो, फिर भी एनीमिया है। माइक्रोसाइटिक सेल की साइज बड़ी हो जाए, कलर उसका डिसकलर हो जाए, तब भी एनीमिया है। चौथे पॉइंट में सेल की साइज छोटी हो जाए, कलर भी उसका डिसकलर हो जाए, तब भी वो एनीमिया है और वो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है।